नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र के राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश और दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और कोरोना वायरस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शुक्र का राशि परिवर्तन कहाँ से कहाँ हो रहा है और इसके क्या क्या फायदे यहाँ पर मिलने वाले हैं। 8 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक, 8th of December to 30th of December तक शुक्रदेव यहां पर मकर राशि में विराजमान रहेंगे। मकर राशि में शुक्र का ट्रांजिट होने जा रहा है और ये ट्रांजिट अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रांजिट है। आखिर इस ट्रांजिट में से क्या खास बात है, इसको समझते हैं पहले। ये ट्रांजिट इतना खास क्यों कहलाया जा रहा है, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजन्स हैं। इसमें से एक बड़ा रीज़न मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, शुक्रदेव यहाँ पर लग्जरी के कारक हैं और इमोशंस के कारक हैं, फीलिंग्स के कारक हैं और आपकी सुख सुविधाओं के कारक हैं, इसको आप ये मान के चलिए। शुक्र जा रहे हैं शनि के घर में और अच्छी बात ये कि शनिदेव खुद वहाँ पर विराजमान है, मतलब कि शनि स्वराशि विराजमान है और शुक्र यहाँ पर जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं समझूं तो आप मान के चलिए कि आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं या फिर अपने काम को करके थक चुके हैं। लाइफ में इमोशंस, फीलिंग्स, हैप्पीनेस नहीं के बराबर है और लंबा समय हो गया अकेले व्यतीत करते हुए जीवन को। एंड सडनली एक दिन किसी का साथ मिलता है, सडनली किसी नोन से आपकी पहचान होती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक अनजाने देश में एक जाना पहचाना कोई व्यक्ति मिल जाए और उस समय फिर थोड़ी बातचीत हो जाती है, थोड़ा अच्छापन लगने लग जाता है और थोड़ा अपनापन सा यहाँ पर लगने लग जाता है और आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं। दिस इज द गोइंग टू हैपन ओवर हियर नाउ। शुक्र यहाँ पर यही काम करने वाला है शनि के लिए। जी हाँ, शनि अकेला है, शनि अपने घर में बैठा हुआ है और काफ़ी लंबे समय से, 2.5 साल का समय होता है, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं शनि को इस तरह की पोजिशन में बैठे हुए। इस कारण से शनि काफ़ी ज़्यादा नीरस से हो चुके हैं और जिन राशियों को अच्छा फल देना है उन्हें अभी तक देना शुरू नहीं किया और ये वो समय है जहां पर अब शनि देव अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। और जिन किसी को भी 7.5 साथी चल रही है तो उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है यहाँ पर, उनको तो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपके शनि की 7.5 साथी चल रही है तो भैया 7.5 साथी के कठिन पीरियड में ये छोटा सा पीरियड जो है ये कहीं ना कहीं फायदे का पीरियड रहेगा और यहाँ पर आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये जो शुक्र का ट्रांजिट है ये काफ़ी ज़्यादा फायदा लेकर के आ रहा है और सभी के लिए फायदा लेकर के आ रहा है। ऐसी बात नहीं कि किसी एक के लिए, सभी के लिए, खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसके कर्म अच्छे हैं उसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा और किसी तरह से कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो शुक्र का जो ट्रांजिट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब शुक्र यहाँ पर 8 तारीख से लेकर 30 तारीख तक रहेंगे और इस बीच में शुक्र क्या क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर शुक्र का जो ये ट्रांजिट रहेगा इसका प्रभाव देश और दुनिया पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, देश और दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ों में हलचल होगी, काफ़ी सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कर्म प्रधान चीज़ें जो है वो ज़्यादा रहेंगी और उसके कारण से कहीं ना कहीं चीज़ें जो है थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती हुई नजर आएंगी। मतलब कि एक तरफ शुक्र अच्छा करने की भी कोशिश करेगा बट दूसरी तरफ क्योंकि पूरी तरह से सहयोग ना मिले और दूसरे प्लैनेट भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इस कारण से चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर फ्लक्चुएट होती हुई नजर आएंगी। बट ओवरऑल शुक्र अच्छा करेगा, देश और दुनिया में अच्छी चीज़ें मिलेंगी और कर्म प्रधान कुंडली बन जाएगी, तो जिसका कर्म अच्छा होगा उसको फल अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पर देश और दुनिया के बाद अगर देखा जाए कोरोना वायरस पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वीनस हमेशा मेडिकल साइंस के लिए अच्छा साबित रहा है। जी हाँ, अभी जो सर्कल चल रहा है उसमें तो यही साबित हुआ है कि वीनस जो है वो मेडिकल साइंस में तरक्की का प्लैनेट दिखाया जा रहा है। मतलब कि वीनस इंडिकेट कर देता है कि कब कौन सी वैक्सीन आने वाली है और कब कहाँ किस तरह से चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। वीनस के साथ साथ और दूसरे ग्रह भी हैं जो ये काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये दिखाता है वीनस कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का यहाँ पर जवाब बहुत जल्दी आने वाला है, ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का प्रभाव जल्दी होने वाला है और वैक्सीन यहाँ पर आप सभी को बचाने वाली है, इसके चांसेस यहाँ पर पूरे पूरे दिखते हैं। मतलब कि साइंटिस्ट को कोई नई खोज या फिर कोई नया इनोवेशन या फिर कोई नई सफलता यहाँ पर मिल सकती है, ये भी बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पर बनते हैं।
साइंटिस्ट के अलावा, मतलब कि रिसर्चर मेडिकल साइंटिस्ट के अलावा, जो नासा है और जो एयर स्पेस है उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सफलता यहाँ पर देखते हुए मिलती है। तो यहाँ पर हमें अंतरिक्ष से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, यूनिवर्स से भी कुछ ना कुछ जानने को दिखाई देगा, मिलेगा ज़रूर है, और ये फ़ायदा हमें यहाँ पर ज़रूर दिखाई देगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वीनस यहाँ पर ट्रांसिट कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आप सभी के जो है वो थोड़ा सा एक अच्छा माहौल बनता हुआ नजर आएगा। जो रिलेशनशिप खराब हैं, जो रिलेशनशिप परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे चीज़ें मिलती हुई नजर आएंगी और आप सभी को कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए कोरोना वायरस के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, देश और दुनिया के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और रिलेशनशिप के लिए भी ये ट्रांजिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप सभी को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और वीनस का ये ट्रांजिट जो है वो आपके लिए फेवरेबल ही रहेगा और आपको आपकी मन की मनोकामनाओं को पूरी करने में मदद करेगा। मेष राशि के लिए यही होने जा रहा है, मन की मनोकामनाएं पूरी होने जा रही है मेष राशि, और आपके लिए तो केंद्र में ही यहाँ पर ये योग बन रहा है। शनि और शुक्र की युति हमेशा एक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और ये रिजल्ट आप सभी को फायदा देगा। कुछ यहाँ पर रुकावटें भी हैं, परेशानियां भी हैं, और ये रुकावटें परेशानियां किस प्लैनेट के कारण से आ रही है वो नहीं बताऊंगा, बट ये जरूर कहूंगा कि कहानी में ट्विस्ट हमेशा रहेगा, मतलब कि क्योंकि वीनस कारक है बॉलीवुड का और बॉलीवुड में थोड़ा सा मैं नेगेटिव हलचल यहाँ पर होती हुई देख रहा हूँ, तो बॉलीवुड में कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई परेशानियाँ यहाँ पर घट सकती है, इसके चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनते हैं। राशियों में देख लिया जाए, जैसे मैंने अभी कहा मेष राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, और मेष राशि को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। वृषभ राशि, उनकी तो अपनी राशि है, धनभाव का स्वामी है, कर्म स्थान पर बैठा है, पैसा तो आना ही आना है, तरक्की मिलने की भी योग है, जॉब सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर जॉब मिल सकती है, इसके भी पूरे पूरे चांसेस आपके दिखाई देते हैं। इसके बाद तीसरी राशि जिसे सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है वो है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि वालों को भी धन लाभ होगा, अचानक से धन लाभ होगा और चीज़ें यहाँ पर अच्छी होते हुए दिखाई देंगी। और चौथी राशि जिसे फायदा होने वाला है वो है तुला राशि। तुला राशि के लिए भी ये जो समय रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको अच्छे लेवल पर रिजल्ट मिलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। मकर राशि इटसेल्फ इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट्स ओवर हियर, मतलब कि मकर राशि का सेकेंड फेज साढ़े साथी का ट्रांजिट यहाँ पर खत्म हो रहा है और मकर राशि को भी यहाँ पर बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, और मीन राशि के लिए भी ये ट्रांजिट जो है वो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी। मीन राशि वालों को भी नौकरी में सफलता मिल सकती है, काम में सफलता मिल सकती है और आपका काम अच्छे लेवल पर हो सकता है। सिंह राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखने की ज़रूरत है, जी हाँ, सिंह राशि वालों को थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत परेशानियाँ हो सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ा सा संभल कर चलने की यहाँ पर ज़रूरत है, शुक्र का ये ट्रांजिट आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, आपको थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर दे सकता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो शुक्र का ट्रांजिट आप सभी के लिए अच्छा रहने वाला है, देश और दुनिया के लिए अच्छा रहने वाला है, और कोरोना वायरस के लिए भी ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देने वाला है शुक्र के कारण से, और शनि की शुक्र के युति के कारण से तो कोरोना वायरस में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। एकमात्र परेशानी जो दिखाई देती है बॉलीवुड या हॉलीवुड में, वहां से कोई बुरी खबर यहां पर आ सकती है, ऐसे चांसेस यहां पर क्लियरली दिखते हैं, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।